चीनी कंपनी शायोमी का रेडमी नोट 4 2017 की पहली तिमाही में भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन चुका है। मार्केट रिसर्च फर्म IDC के अनुसार 2017 में भारत में पहली तिमाही में रेडमी नोट 4 सबसे ज्यादा बिका। 2017 की पहली तिमाही में चाइनीज मोबाइल कंपनी शायोमी का डंका भारत में बजा है। पहली तिमाही में रेडमी 4 भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया है। मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन IDC के अनुसार इस अवधि के दौरान रेडमी नोट 4 को सबसे ज्यादा शिप किया गया। IDC की रिपोर्ट के मुताबिक रेडमी नोट 4 ने सैमसंग के गैलेक्सी J2 को पीछे छोड़ दिया है, जो 2016 की चौथी तिमाही में टॉप पर था। इस मार्केट रिसर्च फर्म आंकड़े से ये भी सामने आया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्मार्टफोन की बिक्री में 14.8% की बढ़त दर्ज की गई है। 2016 के मुकाबले 2017 की पहली तिमाही में थोड़े महंगे स्मार्टफोन की मांग बढ़ी है। IDC के अनुसार 2017 की पहली तिमाही में बेचे जाने वाले करीब 94.5% स्मार्टफोन्स 4G इनबिल्ड थे। IDC के मुताबिक 2017 की पहली तिमाही में सैमसंग ने J2 सीरीज, C9 और A सीरीज के कई स्मार्टफोन लॉन्च कर 1 बिलियन यूनिट्स बेचकर नंबर 1 पर रही, जबकि शायोमी अपने नोट 4 के बदौलत नंबर 2 पर है।